मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज ये जो बैठक बुलाई गई है, ये जो सभा कार्यकारिणी घोषित हुई है उसके विरोध में है। इससे मतलब मैं इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, कार्यकारिणी कोई सदस्य बने उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पर हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो धनराशि आए विकास के लिए उसका पूरा विकास होना चाहिए, क्योंकि आवास विकास की बहुत नर्कली हालत है। क्योंकि बाहर रोडों के तो काम हो जाते हैं, लेकिन जो अंदर कॉलोनियों के अंदर जो स्थिति बहुत ख़राब है, पार्कों में जैसे आवारा पशु बंधे हुए हैं और पार्कों की बहुत स्थिति ख़राब है। जैसे कॉलोनियों के अंदर लाइटें नहीं है, बिल्कुल अंधेरा रहता है, रात को काफ़ी दिक्कत होती है आने जाने वालों को। तो हमारा मेन मकसद यही है कि जो भी धनराशि आए वो सही इसका इस्तेमाल हो और पूरी राशि बिल्कुल लगनी चाहिए। जी, आपको लगता है जो पदाधिकारी बैठाले गए हैं, जो नियुक्त किए गए हैं वो बाहर के हैं, मतलब ये है और अनदेखी होगी पूरे? हाँ, पूरी अनदेखी हुई है, क्योंकि हम लोगों तक कार्यवाही कोई भी खबर नहीं आ पाई है। ये तो आनंद आनंद में जो भी कार्यवाही गठित हुई है उसकी हमें कोई खबर नहीं थी। ये कुछ जो भी कुछ हुआ है सब इतना जल्दी में हुआ है, उसी विषय के चक्कर में आज ये बैठक बुलाई गई है। दोनों विकलांग हैं और बैसाखी से चल रही है और आगे पूरी नाली बंद हो जाती है, बारिश में हम निकल नहीं सकते हैं, बच्चों के लिए परेशानी, कीचड़ है वहाँ पे, कहाँ से कमा के लाऊं, कहाँ से, बारिश में मेरे को तो बहुत दिक्कत है। कितने वक्त से ये परेशानी? ये परेशानी है कम से कम 14 साल से है। 14 साल से? पिछली बार 2009 में आपकी जनपद कोई विकास नहीं हुआ और इतनी परेशानी है का बहुत ही ज्यादा। जबकि आप अच्छे लोगों को परेशानी है तो हम लोगों का कितनी परेशानी है? आपने कभी शिकायत की कहीं जाकर? शिकायत करी है, सब कहीं जाते हैं तो कोई हमारी सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुनाई, कोई सुनवाई नहीं होती है। क्योंकि वोट की कहीं ना कहीं मांग होती है कि वोट दिया आपने, मेरे साथ में और भी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री मौजूद है जी, किस तरह की परेशानियां आज है? क्योंकि काफी विरोध देख रहा हूं मैं यहां पर, जो है पुलिस की जो उसको किसी से भी विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि देखिए हम लोग यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जब हम काम कर रहे हैं हमें सारी जानकारी हमें होती है, हम पर्सनली किस घर घर जाकर के सारी जानकारी को लेकर आते हैं और सारी जितनी भी समस्याओं को हम लोग फेस करते हैं। तो वो लोगों को ये सोचना चाहिए था कि हम लोग सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, समाधान तो हमसे ही करना चाहिए। घर की परेशानी शायद घर वाले ही समझते हैं, बाहर के लोग क्या समझे आपका सीधे तौर पर यही क्या और परेशानी किस तरह की है मैं ये भी जानू। आपके यहाँ इतने खराब है, आप निकल के देखिएगा इतने मतलब घुटना घुटना यहाँ पानी भर जाता है, रोड इतने खराब है। सीवर की तो इतनी भयंकर यहाँ समस्या है पूरे आवास विकास के अंदर कि सीवरों के लिए और कोई सुनवाई नहीं है। हम मतलब अपने जब हमारी सत्ता है तब हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, इस वजह हम कहते हैं विकास अगर हो रहा है तो कम से कम हमारे क्षेत्र में लोगों को उम्मीद लग जाती है कि हमारे क्षेत्र में विकास होगा, लेकिन जब इस तरह से विकास हो रहा है कि भाई हमें पता ही नहीं है कौन एक चीज़। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ये भी मांग उठाती है यहाँ से कि उस कमेटी को भंग किया जाए? नहीं नहीं, हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे, हम ये चाहेंगे जब आपकी अपेक्षा हो रही है तो आप हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को भी वो सम्मिलित करें इस चीज़ में और हमसे भी पूरी जानकारी लें और हमें भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का हिस्सा बनाएं। इस चीज़ का हिस्सा बनाने से ये होगा कि हमारा उनका कोऑर्डिनेशन जब बनेगा तो हम भी उनको अपनी समस्या से बात कराएंगे और जो वो चाहते हैं वो अपने स्तर से काम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा अगर हम चाहें अगर हमसे वो कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। चलिए कोऑर्डिनेशन बना के चले, कोई विरोध नहीं है, अगर कोऑर्डिनेशन बना के नहीं चलेंगे तो ये सारी बातें खड़ी होंगी। नाम जानना चाहूँगा आपका? श्याम किशोर दीक्षित। श्याम किशोर दीक्षित जी, कोऑर्डिनेशन बना के चले तो कोई दिक्कत नहीं है? निश्चित रूप से, ये आयोजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन होता है, आज जनता प्रतिनिधियों से उदासीन है तो वो चाहती है कि इस बहाने एक विकास का एक मुद्दा आ रहा है। आप ही ना प्रतिनिधि किसी के नहीं, जनता के हैं और जनता उनसे जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन भाजपा के आप भाजपा के लोगों कहीं ना कहीं तो मैं हो ही नहीं। मैं अभी जनकपुरी की बात कर रहा हूँ, जनकपुरी में जिस तरह से विकास कार्य के लिए हर्ष की लहर है, हम सौभाग्यशाली हैं आवास विकास के सभी सेक्टरवासी कि दूसरी बार हमको ये मौका मिला है, लेकिन जिस हिसाब से आवास विकास में अभी जो जनपुरी आई और एक हर्ष जनता में बैठा, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से उनकी कारगुजारियां हैं उससे उदासीन जनता फिर उदासीन हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से कमेटियां बननी है या उनकी जो कारगुजारियां हैं उनसे जनता को नहीं लगता है कि यहाँ विकास कार्य पूर्ण हो पाएंगे।
जिस तरह से उन्होंने कमेटी बनाई है, कमेटियों के लोगों की कमेटी के पदाधिकारियों की कार्यकारी में जानना चाहूंगा किस तरह की और विकास नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जनता से दूर हैं, उद्योगपति हैं, उद्योगपति हैं, सुबह अपने फैक्ट्री पे और कंपनी पे जाते हैं, उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं होता है, उन्हें पता नहीं किस गली में खरीदना होना, किस गली में नाली बननी है। लेकिन जो जो जनता के बीच में रहते रहने वाले लोग हैं, जनता के जो जो सेक्टर सेक्टरों में बाजिंदे हैं, उनसे अगर संपर्क करके एक पब्लिक मीटिंग करके इस तरह के अगर आयोजन का सब लोगों को सम्मिलित करके, केवल पद से नहीं, पद कुछ होते हैं सभी को नहीं मिल सकते, लेकिन जनता को शामिल करना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना, एक पब्लिक मीटिंग बुलाना और मीटिंग के माध्यम से हर सेक्टर का जो समस्या है उनको साथ लेके, जो बड़ी समस्या उनको प्राथमिकता देके ये साफ करानी चाहिए। जो पैसे मांगे जा रहे हैं पदाधिकारी बनाने के लिए, उस चीज के लिए आप क्या कहना चाहोगे? विरोध है इस चीज के लिए? पैसे क्यों दिए जाए? पैसे तो शासन से सेंशन हो रहे हैं ना, इस आयोजन के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती नहीं है। और पैसे अगर सेंशन हो रहे हैं तो हमारे सेक्टरों में कोई जो पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सेक्टरों से भी नहीं लिए गए और बाहर के क्षेत्र के पदाधिकारी बना दिए हैं, उन्हें क्या समस्या मालूम होगी? यहाँ की जो मालामाल व्यक्ति हैं उनको पद दिए जा रहे हैं, कमेटियों के पद दिए जा रहे हैं, उनको मान सम्मान दिया जा रहा है, और जो खाड़ियों नेता है, भाजपा के जो पुराने नेता है या आरएसएस के पुराने नेता है, उनको हमारे साथ सम्मान है। जी बिल्कुल, समस्याओं को देखें, साफ तौर पर इनका ये कहना है समस्याओं को देखें, और दूसरा ये इनका ये भी कहना है कि कोलैबोरेशन करके चलें, सबसे मेल जोल करके चलें, और जो भी परेशानियां जो भी समस्याएं उनकी सुने, तो किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं। अगर नहीं सुनते हैं, अगर पद की कोई लालसा भी नहीं है इनको, लेकिन अगर काम की नहीं सुनते हैं और विकास नहीं हो पाया, तो सारे जो जिम्मेदारी है वो इन पदाधिकारियों के मत्थे ही मढ़ी जाएगी, और जो खाना पूर्ति अगर होगी तो वो भी इन्हीं के मत्थे ही मढ़ी जाएगी। कैमरे के पीछे मुकेश ठाकुर, मैं करतार सिंह बघेल।